सुबह ही से। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कैसे हुआ ये सब? तुमने वीडियो तो बनाई होगी ना? सीधी तरह बात करो मुझसे। तुम्हारी शुरू से यही आदत है, अपने रिकॉर्ड्स को तो तुम क्लियर रखते हो, मार जाओगी तुम मेरे हाथ से। मार दो, कौन रोक सकता तुम्हें? तुम्ही से बात करो। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, तमीज से इसीलिए बात करती हूँ कि यहाँ आने से पहले मैंने कुछ शर्तें रखी थी। तुम अपनी शर्तों पर बिल्कुल नहीं उतरे, लेकिन मैं अपनी शर्त पर आजाद हूँ। शीरी का वादा किया था मैंने तुमसे, किसी और कुत्ते बिल्ले की कोई शर्त नहीं थी हमारे बीच में। शीरी पे क्या गुजर है जानते भी हो तुम? शीरी पे क्या गुजर रही होगी? बताओ मुझे क्या गुजर रही होगी शीरी पर? क्या कर रही होगी वो? सर पे खाक डाल रही होगी, दीवारों से टक्कर मार रही होगी, मातम कर रही होगी, रो रही होगी, चिल्ला रही होगी। किसके लिए? कौन मरा है उसका? आशिक, यार, शोहर, क्या हीरो? तो वाकई मारा है मैंने उसे। हाँ मारा है, और क्यों ना मारूं उसे? मेरी इज्जत, मेरी हैरत, मेरी हैसियत, मेरे खानदान पर कीचड़ उछाला, इसलिए मार कर दफना दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसको उखाड़ लो जो उखाड़ना है तुमने। क्या किया तुमने शीरिन के साथ? कहाँ उठा कर लेकर गए उसे? वो इस काबिल नहीं रही थी कि उसे उठा कर ले जाता, इसलिए जहां से उठाया तुम्हारी चलाकियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, बहुत अच्छे से पता चल जाता है मुझे, क्योंकि मैं बचपन से तुम्हें झूठ बोलते देखती हूँ। बहुत अच्छे से पता चल जाता है मुझे, मुझे भी और शीनी को भी। तुमने उसे कहीं फेंका नहीं, तुमसे वो उठाई ही नहीं गई। तुम में इतना थप्पड़ नहीं है मलिक फारूक? चीनी की बदनामी का बोझ तुम जैसे मुनाफिक लोग नहीं उठा सकते। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, देखते हैं किसमें कितना थप्पड़ है। अब तो मैं उसे यहां ला कर ही दिखाऊंगा, और फिर मैं भी देखूंगा तुम्हें कितनी बर्दाश्त है। We'll be right back.
तुम्हें पता है श्री, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी औरत थी जिसकी मोहब्बत में मैं कुछ भी कर सकता था, मेरी माँ। इसको भी तुम्हारे लिए छोड़कर आ गया, अब खुद ही बताओ श्री, कोई इससे भी अहम औरत हो सकती है मेरी जिंदगी में? मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, कहां तक हूं, कब तक हूं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि मेरे लिए काफी तुम थी और आज भी तुम हो, कल भी तुम जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बेजान। अब्बा जी, हेलो शीरिन, फिर किसने किया ये सब? ये तो मुझे नहीं पता चाचा जी, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह मैं अंदाजा लगा सकता हूं।